हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं सूर्यवंशी का ट्रेलर का ब्रेकडाउन एंड साथ ही साथ क्या है पूरी यूनिवर्स कॉप यूनिवर्स रोहित शेट्टी की जानेंगे इस वीडियो के अंदर। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सो गाइस, आप सब लोगों को पता होगा कि रोहित शेट्टी ने अभी ये ट्रेलर लॉन्च किया है जो है अक्षय कुमार का सूर्यवंश, और बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार है। एंड ये ट्रेलर आपको पता होगा कि बहुत ही लंबा है, कि 4 मिनट के आसपास है, एंड उसमें बहुत सारे एक्शंस दिखाए हैं, एंड साथ ही साथ वो कनेक्टेड भी है सिंगम एज वेल एज सिम्बा के मूवी की तरह है। तो बेसिकली आपको बता दूँ ये कॉन्सेप्ट कैसे लाया उन्होंने। तो बेसिकली रोहित शेट्टी ने पहले प्लान नहीं किया था, क्योंकि दोनों सिंगम 1 और सिंगम 2 एक्चुअली जो मूवी है वो ऐसी कंटिन्यूशन या फिर कॉपी किया था साउथ इंडियन मूवी से, एंड वो ऐसी हिंदी सिनेमा में डब करके उसको बनाया था। बट दोनों मूवी बहुत ही अच्छी चली, जिसकी वजह से थोड़ा सा उनको आइडिया आया एंड कहीं ना कहीं वो उन्होंने कॉप यूनिवर्स बनाया। सो बेसिकली दोनों मूवीज जो सिंगम और सिंगम 1 और 2 है, जिसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स वो उन्होंने डबल रोल भी किया है, यानी कि पहले पार्ट में भी निभाया है एंड सेकेंड पार्ट में भी अलग कैरेक्टर भी निभाया। बट तभी के टाइम पर उसको उन्होंने सोचा नहीं था, क्योंकि इसकी वजह से सिम्बा की मूवी के अंदर उन्होंने कनेक्शन दिखाया है, एंड बाद में जो अक्षय कुमार का जो मूवी है उसके बाद ये कंबाइन किया। सो गाइस, अभी आपको बता दो दोनों मूवी आगे जो सिंगम 3 आने वाला है उसमें बहुत बड़ा कनेक्शन होने वाला है। तो बेसिकली ये अच्छी बात होगी अगर दोनों में तीनों मूवी कनेक्ट होगी। सो कहीं ना कहीं वो इंस्पायर हो चुके हैं जो MCU एज वेल एज DCU के मूवीज़ को देख के, क्योंकि आप सब लोगों को पता होगा कि सुपर हीरो जितने भी मूवीज़ है, जो स्पेशली मार्वल्स के जो बड़े बड़े इवेंट्स हुए थे एंड गेम जैसा, वैसा कुछ बना रहे हैं शायद से, मुझे लग रहा है, क्योंकि उन्होंने उनका नाम दिया है कॉप यूनिवर्स। तो कहीं ना कहीं वो एक बड़ा सा यूनिवर्स खड़ा करने वाले हैं कॉप के रिलेटेड, एंड कहीं ना कहीं वो इंटरकनेक्टेड होने वाला है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही अच्छी बात है, कि अगर विजुअल इफेक्ट के साथ बहुत ही अच्छा अपग्रेड होगा तो हिंदी सिनेमा भी अच्छा लेवल पे पहुंच जाएगा। सो बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी फ़िलहाल के लिए जो मेजर पॉइंट है वो है विलन, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं विलन्स वीक लगते हैं, कहीं ना एंड एट द एंड वो बहुत ही ज़्यादा हार जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मेजर है कि विलन सबसे बड़ा स्ट्रॉन्गेस्ट होना चाहिए, जैसे थैनोस की तरह। तो देखने के लिए, जो पब्लिक को भी देखने के लिए मज़ा आए, जैसे 3 हीरोज़ है, एक ही विलन को मारने से अच्छा है कि सबसे बड़ा विलन होना चाहिए जो आराम से तीनों को एक बहुत ही अच्छा टक्कर दे सकते हैं। बस आपको कैसी लगी ये अपडेट, उसके बारे में कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलता हूँ अगले वीडियो तक।